नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस की। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर 5 मिनट का चार्ट सेट किया हुआ है मैंने, और अभी इसमें जिस तरीके का हमने ट्रेंड देखा है, एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद से मार्केट में एक ऊपर के लेवल पे मार्केट अपने अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करी, पर धीरे धीरे ये मार्केट में एक डाउन साइड आई, फिर से थोड़ा सा नीचे के लेवल्स पे मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया और फिर ये सारी के सारी एक जो कंसोलिडेशन थी वो एक सेलिंग के रूप में बदल गई और मार्केट में एक अच्छी खासी हमें सेलिंग देखने को मिली, जिसमें इसने 183.50 तक के लोएस्ट लेवल को टच किया, पर वहाँ पर फिर से इसे एक सपोर्ट मिला और करंटली मार्केट 189.60 पे आकर लास्ट रेट प्राइस करके क्लोज हो गया। तो कुछ इस तरीके का हमें ट्रेंड देखने को मिला, मार्केट डाउन साइड पर आके थोड़ा सा एक बाउंस करके क्लोज़ हो गया। दोस्तों, यहाँ पर एक लेवल है जो मैंने एक थोड़ा सा इंट्राडे के लिए एक ब्रेकआउट लेवल था, पर क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्लोज़ हो रहा है और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इसमें कुछ मार्केट का सस्टेन करने जैसा कुछ नहीं पता चलता। 190.60 से लेके 191 के बीच में अगर मार्केट सस्टेन करता है नेचुरल गैस, तो चांसेस ये हैं कि इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनी है, ठीक है, तो और फिर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। अभी ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस कर रहे हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बाइंग आई थी ऊपर के लेवल पर, हमें यहाँ एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, वहाँ से एक करेक्शन का मोड ले लिया मार्केट ने। कल जिस तरीके से मार्केट में एक बंद होते होते एक तेज़ी आई थी, आज मार्केट ऊपर खुला ज़रूर, और यहाँ पर मैंने एक लेवल बता रखा था कि जो भी बाइंग करे वो 196.50 के ऊपर करे, 650 था, पता नहीं शायद 70 था, इन्हीं में से कुछ था। तो इसने 195.90 का एक हाई लगाया और मार्केट यहाँ से वापस नीचे की तरफ मुड़ गया और नीचे में इसने 183.50 का एक लो लेवल लगाया, पर यहाँ भी हमने देखा कि फिर मार्केट में एक बाउंस आया और ऊपर की तरफ इसने अपनी चाल ले ली। देखिए दोस्तों, नेचुरल गैस का अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात करूँ तो वो तेज़ ही है अभी तक। उसमें एक जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 180.50। जब तक मार्केट उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक मार्केट में एक सस्टेनेबिलिटी, एक कंसोलिडेशन आपको दिखती रहेगी, पर मार्केट में एक डाउनसाइड जैसा आपको कहीं भी कोई मूवमेंट ऐसा नहीं मिलेगा। देखिए, वापस नीचे आया मार्केट, ऊपर गया, यहाँ भी आज वापस नीचे आया, फिर से ऊपर गया। अब किस तरीके का फॉर्मेशन बनता है, जब तक ये 180.50 के ऊपर है तब तक एक इसमें हमें एक स्ट्रेंथ ज़रूर दिखती रहेगी, एक ऊपर के लेवल्स पे मार्केट को जाने की एक कोशिश मिलती रहेगी। पर ये चीज़ें कितने टाइम तक रहने वाली हैं, पहली चीज़ के ये लेवल जब ब्रेक हो जाएगा तब ये जो इसका अप ट्रेंड है उसे ज़रूर एक एंड होते हुए हम देखेंगे और मार्केट एक डाउन साइड की तरफ आने लग जाएगा, जहाँ पर 165 तक के लेवल हमें बहुत इजीली शायद देखने को मिले। पर ऐसा कहना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत स्ट्रांगली अपने आप को ऊपर के लेवल पे सस्टेन किए हुए हैं। तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम और बढ़ाते हैं, 1 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इसका ये एक पोर्शन था कंसोलिडेशन का, उसके बाद यहाँ पर इसने एक इन लेवल्स पे एक शायद साइन दिए थे, पूरा अच्छे से मुझे ध्यान नहीं क्या हुआ था, शायद साइन दिए होंगे, और उसके बाद जब इसमें यह अप ट्रेंड आया था तो एक बाइंग के साइन आए और मार्केट ने वहाँ से एक तेज़ी पकड़ ली, जिसमें 203.90 मेरे ख्याल से यही एक हाई था, ये हाई लगा, और जिसमें नहीं 203 सिर्फ इतना ही हाई था, जो इसके ऊपर का जो लेवल था वो था 205.90। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जिसका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में भी करा था, और इसमें मैं आपको कंटिन्यूसली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लेवल आपके ध्यान में रहेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगे आपके ट्रेड्स लेने में, कि आपको कहाँ निकलना है, आपको रेजिस्टेंस लग रहा है इस लेवल पे या नहीं लग रहा। और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है मार्केट, तो चांसेस ये भी होंगे कि बहुत स्पीड से मार्केट ऊपर बढ़ने की कोशिश कर सकता है।
देखिए सबसे पहले इसी लेवल की हम बात कर लेते हैं, ये कौन सा लेवल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। डेली चार्ट्स की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, ये एक ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन ही मैंने ड्रॉ की हुई है। इसमें ये वाला लेवल है जो बहुत पहले लास्ट ईयर नवंबर में लगा था, तब से मार्केट में एक इस तरीके का हम कर्व बनते हुए देख रहे हैं जो ऊपर की साइड जा रहा है। अभी अगर ये ऊपर की साइड जाते हुए वापस इस प्राइस को अगर ये ब्रेक कर देता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे कि ऊपर की तरफ बहुत स्पीड से जाएगा। तो ऐसा होता है या नहीं होता वो तो आप अभी टाइम बताएगा, पर ये ज़रूर है कि इन लेवल्स पे इसमें एक कंसोलिडेशन का फेज़ हमें देखने को मिल रहा है। आइए हम चलते हैं 4 घंटे की तरफ। यहाँ हम देखेंगे इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक पोर्शन है जो अभी कंसोलिडेशन का फेज़ बना हुआ है। मार्केट ऊपर में यहाँ पर और नीचे में इन लेवल्स पे तो बहुत सारी जगह हमने देख लिया एक सपोर्ट मिल रहा है। आज भी ये सपोर्ट मिला है, एक अच्छी खासी हमने एक बाउंस होते हुए देखा है। 189 191 तक के मेरे ख्याल से लेवल लग गए थे एंड होते होते। तो जिस तरीके का कल ट्रेंड था वैसा ही आज बनने की एक कोशिश हुई है। एक बार बार उस लेवल से 83 84 के लेवल से एक अच्छा खासा एक बाउंस आते हुए मार्केट को देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि किन लेवल्स का हमें ध्यान रखना है कि हम अपने आगे के ट्रेड्स एग्जीक्यूट करें। देखिए उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ 1 घंटे की तरफ। यहाँ पर मैं आपका कुछ चीज़ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा। सबसे पहला डबल बॉटम, ये इस तरीके का एक फॉर्मेशन बना है। ये लो मेरे ख्याल से 184 का था, ये 183.50 का है। तो बिल्कुल उसी जगह से हमने बाउंस आते हुए देखा, कल यहाँ पर देखा आज यहाँ देखा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है कि ये बहुत मेजर सपोर्ट लेवल की तरह बन रहा है। ठीक है, मार्केट ही हमें बताता है कि कौन से सपोर्ट लेवल हैं, कौन से रेजिस्टेंस लेवल हैं। ज़रूरत सिर्फ इतनी होती है कि हम उसे ध्यान से देख पाएँ। अभी इसमें यहाँ से हमें एक बाउंस आता हुआ दिखा है और ऊपर की तरफ अभी मार्केट जा रहा है। कितना ऊपर जाएगा कि अब हम इसमें बाइंग करें, देखिए वो लेवल मैं आपको बताता हूँ, एग्जैक्ट 196। इसके ऊपर अगर मार्केट अपने आप को ले जाएगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा ही बन जाएंगे कि इस मतलब मैं पोजिशनल कॉल की बात कर रहा हूँ, इस लेवल को आप अपना स्टॉप लॉस लेके आप इस प्राइस पर आप अपनी बाइंग में एंटर कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं आगे के लिए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा 206। ये भी अगर ब्रेक कर जाएगा तो आप बहुत फ्री माइंड होके आप अपनी पोजीशन को बहुत लंबे टाइम तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके का फॉर्मेशन बन रहा है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ से एक ये डब्ल्यू काइंड का पैटर्न बन रहा है और अगर ये बढ़ते हुए ऊपर को ब्रेक कर गया तो ये 196 का लेवल ब्रेक होते ही चांसेस ये बन जाएंगे कि फिर ये वाला हाई और फिर 206 ये वाला रेजिस्टेंस लेवल। ये छोटे छोटे गैप पर ये रेजिस्टेंस लेवल है, इन्हें मार्केट ब्रेक करते ही बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है। देखिए नेचुरल गैस है, आप इसमें हाई का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सा हाई जाएगा, कितनी ऊपर तक जाएगा और कितनी स्पीड से जाएगा। जो तेज़ी आती है वो भी नेचुरल गैस में इसी तरीके से आती है, जो मंदी आती है वो भी इसी तरीके से आती है। हमें सिर्फ उन लेवल्स का जो हम किसी भी चार्ट में देखकर समझ सकते हैं कि किस लेवल के बाद एक बाइंग आ सकती है, किस लेवल के बाद सेलिंग आ सकती है, कौन सा हमें स्टॉप लॉस लगाना है और ट्रेंड किस तरीके का है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे अगर आप मार्केट को एनालाइज करना सीखेंगे धीरे धीरे, आप कोशिश की किया कीजिए कि आप भी इन चीज़ों को समझ पाएँ। चार्ट्स आपके भी सामने हैं, मेरे भी सामने हैं। ये कुछ ट्रेडिंग पैटर्न्स होते हैं और कैंडल स्टिक पैटर्न्स अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए भी ये एनालाइज करना कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। और इसके अलावा और भी दो तीन चीज़ें होती हैं कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट करी है उस पर आप प्रॉफिट लेकर जाएंगे या लॉस लेकर जाएंगे। ठीक है, ये पहली चीज़ कि आपको मार्केट के चार्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इसकी इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी बड़ी इंपॉर्टेंस इस चीज़ की है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। बेसिकली किसी की कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, सब मार्केट खुलते ही 9 बजे मार्केट खुलता है, 9:01 पे ही वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि हम क्या ट्रेड लें। गैप अप खुल गया, कुछ लोग कहते हैं हमें अब ख़रीद लेना चाहिए, जब गैप अप खुलता है तो उस टाइम तक का जो लो लगाओ, मतलब अलग अलग थ्योरीज़ हैं किसी की किस तरीके से चलती है, किसी की किस तरीके से, पर
पर उन्हें अगर आप देखेंगे तो उनका पोर्टफोलियो ग्रो नहीं कर रहा होता, वो धीरे धीरे कम ही हो रहा है। कोई किसी थ्योरी को लेके चलता है, कोई ये सोचता है कि गैप अप ओपनिंग हुई है तो मार्केट में करेक्शन ज़रूर आएगी, कोई इस तरीके से सोचता है गैप अप ओपनिंग हुई है तो आज का जो लो लग गया उसे हम लो को स्टॉप लॉस लेके हम मार्केट में अपनी पोजीशन प्लस की रख लेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके की कुछ थ्योरीज़ हैं, ये मैं गैप और गैप डाउन की बात कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि पहले आधे आधे घंटे तक 12 बजे तक हम ये देखें कि क्या लो लगा है, फिर उस लो को अपना स्टॉप लॉस मान के हम बाइंग या सेलिंग में बैठ जाएं। देखिए ये कंसेप्ट मेरी समझ में नहीं आते, मेरी समझ में सिर्फ एक चीज़ आती है, क्या रेजिस्टेंस लेवल है, कौन सा ब्रेकआउट लेवल है और कहाँ पर आपको ट्रेड लेना चाहिए, कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए समझनी ज़रूरी हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी और फिर आपको शायद मेरे वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ इन चीज़ों को समझने के लिए। आप खुद कोशिश करेंगे, बहुत ईजी है चार्ट्स को समझना, आपको भी समझ में आ जाएंगे। जब मैं समझ सकता हूँ तो आप भी समझ सकते हैं, और आप समझ सकते हैं तो आप ट्रेड भी कर सकते हैं और आप भी ऑपरेटर कहलाए जा सकते हैं। जैसा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऑपरेटर मार्केट को मूव करता है, ऑपरेटर जैसी कोई चीज़, देखिए मुझे तो कभी आज तक मैं किसी ऑपरेटर का मैंने सामना किया नहीं, ज़रूर वो किसी छोटी छोटी जेड कैटेगरी वाली कंपनीज के शेयर्स को ज़रूर ऑपरेट कर पाते होंगे, पर कमोडिटी मार्केट में, हाँ कमोडिटी मार्केट में ये चीज़ ज़रूर देखी है मैंने कि कुछ जो जैसे दालों का ट्रेड होता था उड़द के टाइम पे मैंने देखा है, मैंने जीरा में देखा है, ये एनसीडेक्स पे ट्रेड होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा एक मैनिपुलेशन इसलिए हो पाता है कि जैसे मैंथॉइल का मैं अगर एग्जांपल लूँ तो वो चंदोसी से ऑपरेट होता है, वो एक इसका हब माना जाता है और वहाँ से जब ये ऑपरेट होता है तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टॉकिस्ट रहते हैं जिन्हें ये पता होता है कि कितना कितनी पैदावार हुई है और अब हमें अगर इस पूरे के पूरे माल को अगर हम स्टॉक कर लेंगे तो मैंथा ऑयल का प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा और थोड़ा गवर्नमेंट से सेटिंग करके, तो ये चीज़ें इस तरीके से ऑपरेट हो जाती हैं। पर अगर आप गोल्ड सिल्वर या किसी बहुत बड़ी नेटवर्थ वाली कंपनी में अगर आप ये बोलेंगे कि ये ऑपरेट हो रही है तो वो चीज़ बहुत गलत है, और दूसरी चीज़ इंडेक्स कोई ऑपरेट हो रहा है वो और उससे ज़्यादा गलत है। ये सारी चीज़ें सिर्फ बोलने में ठीक लगती हैं और कोई अगर कुछ नहीं जानता होगा तो शायद वो समझ भी लेगा कि हाँ ऑपरेटर का खेल था, ऑपरेटर कौन है कोई नहीं जानता, तो जब कोई जानता नहीं है तो वो ऑपरेटर कहाँ से पैदा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ बस ये कंसेप्ट हैं कुछ जो मेरे माइंड में आती है, मैं बात करता रहता हूँ किसी से तो जो भी कन्वर्जेशन होती है मैं उसे एक्सप्रेस कर देता हूँ, तो ये कुछ चीज़ें जो आप ध्यान में रखेंगे, मैं इस तरीके से समझता हूँ आप भी समझ सकते हैं, चार्ट्स को थोड़ा एनालाइज़ करेंगे और आपका भी जो पोर्टफोलियो वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मार्केट रिपोर्ट MCX पर, जो टेलीग्राम पर मेरा चैनल है, दूसरा आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं मार्केट रिपोर्ट 08 पे टेलीग्राम पर। तो ये था मेरा नेचुरल गैस पे अभी का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।